नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर का एमटीएम स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। पूरे राजस्थान में एमटीएम स्कूल का डंका बज रहा है। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत की ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल का परिचय करवाने जा रहे हैं जिसने शिक्षा जगत में अपनी आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन परिणाम से एक अलग ही पहचान बनाई है। एमटीएम स्कूल की शुरुआत 2007 में हजरत अली कॉलोनी रामगढ़ मोड़ से हुई। यह स्कूल एक नई सोच के साथ शुरू किया गया। इस विद्यालय में शिक्षा ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड के साथ शुरू की गई, जिसके लिए विद्यालय ने स्मार्ट एनिमेटेड कोर्स, स्मार्ट एलईडी एंड सीपीयू सभी कक्षाओं में लगाए, जिससे विद्यार्थियों की सीखने में दिलचस्पी बढ़ी और मुस्लिम माइनॉरिटी विद्यार्थियों को शिक्षा लेना बहुत और मजेदार हो गया। एमटीएम विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पोकन इंग्लिश, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, बेसिक इंप्रूवमेंट क्लासेस, पेरेंटिंग, सेल्फ स्टडी प्लान, बेस्ट मोटिवेशनल क्लासेस और समय समय पर पीटीएम पर फोकस किया। इस पढ़ाई को देखते हुए अभिभावकों की मांग थी कि एक ब्रांच सुभाष चौक पर भी शुरू किया जाए, जो 2018 में प्रारंभ किया गया। इस ब्रांच को लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और सराहा। एमटीएम स्कूल फाउंडर्स वसीम सर और फाउंडर्स अजहर सर का मिशन मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के सपनों का स्कूल बनाना था, जिसके चार डायरेक्टर वसीम सर, अजहर सर, अरशद सर, जिया सर ने मिलकर अभिभावकों के सपनों का स्कूल बनाने के लिए दीनी तालीम कोर्स और दीनी तालीम देने में माहिर उस्ताद, साथ ही बुनियादी तालीम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड विद इंग्लिश स्पोकन क्लासेस दोनों को साथ में रखा, जिसको सभी अभिभावकों ने अच्छा कदम बताया। एमटीएम स्कूल डिजिटल प्लानेट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभिभावकों की पसंद और मांग पर सुभाष चौक ब्रांच और विद्यार्थियों के हित और भविष्य को देखते हुए रामगढ़ मोड़ पर कॉम्पिटिशन क्लासेस प्रारंभ की गई। भविष्य में एमटीएम और भी बहुत सी स्कूल के ब्रांच और नीट, जेईई एंड कॉम्पिटिशन क्लासेस को सुभाष चौक ब्रांच पर भी शुरू करने का विचार कर रहा है, जिससे मुस्लिम बच्चों को चार दीवारी और मुस्लिम माहौल में अपनी शिक्षा पूरा करने में सहयोग मिलेगा। एमटीएम विद्यालय ने रामगढ़ मोड़ ब्रांच पर विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिशन क्लासेस की शुरुआत कर दी है, जो बच्चों को ट्वेल्थ के बाद करियर बनाने और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में सहायता होगी। बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए विद्यालय ने 10 बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर बनाने वाले विद्यार्थी को स्कूटी और 11th एंड 12th क्लासेस की फीस की विद्यालय की ओर से स्कॉलरशिप, 90% से ऊपर बनाने वालों को सैमसंग टैब और 11th में 11,000 की स्कॉलरशिप, 85% बनाने वालों को 5100 रुपए की स्कॉलरशिप देने। दिस इज फातिमा मेरिन फ्रॉम एमकेएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई हैव स्कोर 92.50% इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस और मैंने फर्स्ट जैसे अपनी रेगुलर स्टडी की है। मेरी सक्सेस का कारण यही है कि मैंने कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई की है, रेगुलर स्टडी की है, सेल्फ स्टडी की है और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी परसेंटेज ला पाई हूँ। मैंने 9th का रिजल्ट आने के बाद से ही अपनी स्टडी को जारी किया था और मैंने रेगुलरली 5 to 6 आवर्स अपनी स्टडी की थी। हमारे स्कूल में हमें सेल्फ लर्निंग टास्क दिए जाते थे, तो मैंने अपने घर जाकर उन टास्कों को पूरा किया, सेल्फ स्टडी की, लर्निंग टास्क को पूरा किया और इसकी वजह से ही मैं इतनी अच्छी परसेंटेज बना पाई। मैं इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। टीचर्स में स्पेशली मैं अजहर सर, वसीम सर, जिया सर एंड जहीन मैम को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि मैं अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी, इससे भी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज लाने की पूरी कोशिश करूँगी। My name is Rosie Ali. I am studying in MTM Public School. I am 10th standard. MTM school में मुझे पढ़ते हुए 4 साल हो गए और यहाँ की टीचर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ की टीचर्स हर छोटी से छोटी बात क्लियर करते हैं, हर तरह से मोटिवेट करते हैं। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर हमें सब अच्छी तरह से हमारी बातों का जवाब देते हैं, हर चीज़ क्लियर करते हैं, हर तरह से कॉपरेट भी करते हैं। MTM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैं यहाँ 4 सालों से पढ़ रहा हूँ और जितने भी 4 साल मैंने पढ़े यहाँ से मुझे हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है। ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ की हर टीचर
चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, हर तरह से आपको कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको दुनिया की तालीम ही नहीं, दीनी तालीम के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ के हर टीचर हर चीज़ में आपको कोऑपरेट करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न है तो यहाँ के टीचर आपको मदद करते हैं उस कन्फ्यूज़न को निकालने। माई सेल्फ माहिनूर, आई एम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड रीड इन MTM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। यहाँ की नॉलेज बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमें सारी बातें क्लियर करते हैं। यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर वैसे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं बच्चों को नॉलेज दिलवाने में, पूरी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। वो खुद भी क्लासेस लेते हैं हमारे लिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। सर, MTM की स्थापना जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 2007 में हुआ और आसपास कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए बेहतर हो। एक मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया, मैं, मेरे बड़े भाई वसीम सर और मेरे पिताजी, जिनका एजुकेशन से काफ़ी नाता था, वो भी गवर्नमेंट टीचर थे, हम लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से स्कूल की शुरुआत करना चाहते थे। क्योंकि सबसे अच्छा पैटर्न मैं मांगता था ऑडियो विजुअल टीचिंग पैटर्न, जिसमें श्रव्य दृश्य सामग्री से बच्चों को सिखाया जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं रटने पर फोकस शुरू से नहीं करवाना चाहता था बच्चों को, तो हमने स्टार्टिंग ही इस पैटर्न में की थी कि बच्चों को लर्निंग हो तो वो ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड के साथ में हो। एक्चुअली सर, माइनॉरिटी में बस थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि हम लोगों के स्कूल के एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, पेरेंट्स की तरफ से अवेयरनेस की कमी की वजह से एफर्ट्स कम हो पाते हैं। जैसे कि हम लोगों को इसके लिए ये करना होता है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक सेल्फ स्टडी जो बच्चे की होती है उसको हमारे कंट्रोल में रखना होता है। क्योंकि बच्चा अक्सर मुस्लिम में अवेयरनेस पेरेंट्स की नहीं होने की वजह से घर पर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है, तो हम लोगों ने इसका एक प्लान बना रखा है कि बच्चा सेल्फ स्टडी करे और हम स्कूल वाले उसकी मॉनिटरिंग करें। हम मॉनिटरिंग करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चा डेली अगर 3-4 आवर्स स्टडी करता है, 20 क्वेश्चंस भी अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके लर्न कर लेता है तो 30 डेज में 600 क्वेश्चंस उसके लर्न हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बच्चों को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी ही बच्चों की की ऑफ सक्सेस होती है, ये हमारा मानना है। सर, मेरी तरफ से सभी युवाओं से ये अपील है कि अपनी आपको ऐसे जहन्नुम की तरफ मत ले जाएं जिससे कि आपके सामने सिर्फ अंधेरे की खाई हो। आप लोग एजुकेशन जो दिया, जो रोशनी देती है, उस तरफ आएं और अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाएं जिसके आप सच में हकदार हैं। आप नहीं पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ उस ईश्वर, उस अल्लाह ने दी हैं, जिसके ज़रिए आप उस मुकाम तक पहुँच कर अपने देश का और अपने परिवार का, अपने कौम का, अपने लोगों का नाम रोशन कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, प्लीज़ नशे से दूर रहिए। यहाँ MTM में स्टार्टिंग से हमारे जो छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी, LKG, UKG, वहाँ पर से हम उनको इंग्लिश एनवायरनमेंट देते हैं। प्लस इंग्लिश एनवायरनमेंट, सिंस इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो देना ही होता है। उसके साथ में हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनियात से दूर ना हो, तो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड से तो हम टीचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ में उनको सारी जो इस्लाम का जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हाई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं कलमे आने चाहिए, हदीस होती हैं, हदीसें सिखाई जाती हैं, जो छोटी जिनको हम मसनून दुआएं कहते हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने की दुआएं होती हैं, वो सब कुछ आदाब ज़िंदगी सिखाते हैं बच्चों को, बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग डेली एक न एक लेक्चर ज़रूर देते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड है तो LEDs हैं सारी क्लासेस हैं। पहले क्योंकि अगर बच्चों को विजुअली सिखाया जाता है ना कोई भी चीज़ तो वो बहुत आसानी से सीखते हैं, तो उनको हम LED पे पहले जो भी उनकी चीज़ है, जो
जो उनका कोर्स है, हमारे पास कोर्स भी वही है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स है, तो सब कुछ चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर पे हैं। तो वो सारे के सारे बच्चों को LED के थ्रू पहले उनको विजुलाइज कराया जाता है, उसके बाद में उनको क्लास में टीच करते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और इसी का इम्पैक्ट जो है वो आगे तक नज़र आता है। जी देखिए, अक्सर देखा जाता है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं वो दुनियावी तालीम पर भी ध्यान नहीं देते हैं और जिससे बच्चे ज़िंदगी की रेस में पीछे जाते हैं, तो क्या कहेंगे उस पेरेंट्स के लिए? मेरा पेरेंट्स को यही मैसेज है कि हम चाहे कम खा लें, हम कम खर्चा करें अपने ऊपर, लेकिन हमको इस्लाम को आगे बढ़ाना है, मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पहले ये करना है कि हमें एजुकेशन पे फोकस करें, अपने हर बच्चे को तालीम दिलाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहली कुरान की अगर हम आयत की बात करें जो उतारी गई वही कहती है इकरा, पढ़ो, तो हम कहाँ, हम मुस्लिम्स जो हैं हम हमारे बच्चों को पीछे क्यों ले जा रहे हैं? तो आई विल से कि सारे पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवानी चाहिए, उसके बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें। अच्छा परिणाम आने की वजह क्या है? अच्छा परिणाम आने की वजह यही रहती है कि स्कूल की तरफ से पूरे एफर्ट्स होते हैं बच्चों को, हम बोर्ड वाले बच्चों को तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, अभी भी अगर हमारे समर वेकेशंस चल रही हैं लेकिन फिर भी उन बच्चों की तो एक्स्ट्रा क्लासेस अभी से ही नेक्स्ट क्लास की जो है जो बोर्ड है उसकी अभी से हमने क्लासेस शुरू करवा दी हैं। अब उनका बेस कमज़ोर था, उस सब बेस को पहले बेस लेके चल रहे हैं, उसके बाद में आगे आगे पूरा एकेडमिक्स कम्प्लीट करा के उनको पूरा एंड तक रिविज़न वगैरह सब कम्प्लीट कराते हैं ताकि वो